ऑफ वडोदरा। मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान अंतर्गत नांदोद तालुका ने एक प्राथमिक शाला खाते केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उपस्थिति में एक कार्यक्रम योजवामां आव्यो। देशनी माटीनो ऋण अदा करवा ने वीर जवानोना त्याग बलिदान ने बिरदावा नांदोद तालुका ने बदाम प्राथमिक शाला खाते शिला फलकमनु केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में अनावरण करवामां आव्यु। केन्द्रीय मंत्रीश्रीना प्रेरणादायी उपस्थिति वच्चे सौ नागरिकोए अमृतकाळना पंच प्राणने सामूहिक प्रतिज्ञा लीधी अने देशनी माटीनुं ऋण अदा करवा तेमज आजादी माटे सर्वोच्च बलिदान आपनार वीरो वीर शहीदोना बलिदानने बिरदावी। त्यारे मारी माटी मारो देश अभियान चाली रह्युं छे, जे अनુલક્ષીને नांदोद तालुकानी बदाम प्राथमिक शाळा खाते केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालानी प्रेरक उपस्थितिमां योजायेला कार्यक्रममां शिला फलकमनुं अनावरण करवामां आव्युं। केन्द्रीय मंत्री रूपालाजीए अंबुभाई पुराणी हाईस्कूलना पटांगण खातेथी तिरंगा यात्राने लीली झंडी आपीने प्रस्थान करावियो हतो, ज्यां शाळा कॉलेजना बाळको डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूलना विद्यार्थीओ सहित पोलीस विभाग અને તેમની સાથે સંકળાયેલા વિવિધ પાંખના જવાનોએ રેલી થકી રાજપીપળાના નગરજનોમાં ભક્તિનો જુવાળ જોવા મળ્યો હતો। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મંત્રીશ્રીના પ્રવાસ કાર્યક્રમમાં રાજપીપળા સરદાર ટાઉન હોલ ખાતે વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી, જ્યાં મંત્રીશ્રીએ મા ભારતીને નમન વંદન કરીને દેશના વિભાજન વખતની પરિસ્થિતિ અંગે દર્શાવવામાં આવેલ પ્રદર્શની નિહાળી હતી। આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ દેશની નવ યુવા પેઢીને દેશના ઇતિહાસ અને વારસાથી પરિચિત રહેવા અંગે અનુરોધ કર્યો હતો। मेरी मिट्टी मेरे देश नामक कार्यक्रम के जरिए हर घर से मिट्टी दिल्ली तक पहुंचने वाली है। ये अमृत कलश कार्यक्रम का प्रारंभ है। अमृत कलश कार्यक्रम में एक बात तय की गई है, ये जनता के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। ये सरकारी कार्यक्रम भी नहीं है, किसी पार्टी का भी कार्यक्रम नहीं है, ये पूरी देश की जनता का कार्यक्रम है। हर विधानसभा में हर गाँव से मिट्टी इकट्ठी होगी, फिर एक विधानसभा में एक मिट्टी का कुंभ बनेगा और उसी के साथ उस विधानसभा क्षेत्र से एक पौधा जाएगा। एक पौधा एक विधानसभा, एक कुंभ एक विधानसभा। ऐसे देश की 68 में बोलता हूँ 8000 विधानसभाएं हैं, उतने कुंभ और उतने पौधे वो दिल्ली में एकत्रित किए जाएंगे और वहाँ अमृत वन के नाम में उस पौधे को स्थापित करेंगे। पूरे देश की विधानसभा का प्रतीक उस उपवन में बनेगा और आज़ादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में अमृत वन वहाँ बनेगा। विभीषिका दिवस, भारत की आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि इस देश पे क्या गुजरी थी, आज़ादी के दिन हमारे देश के साथ क्या घटित हुआ था। हमारे देश की आज़ादी के बंधन नहीं टूटे थे, ये देश टूट गया था। ये नई पीढ़ी के स्मरण में रहे, उस समय की घटी हुई विभीषिका हमारे नागरिकों के जन्म में स्मृति में रहे, इसके लिए वो दिन मनाया गया था।